मौजूद हम आगरा ग्वालियर रोड के कठुआ आर्यावर्त बैंक की शाखा में, और यहां बता दें आपको, महिलाओं ने बताया है कि वो लगातार 10-15 दिन से चक्कर लगा रही हैं, उनको उनका ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। बिन पैसे के वह रक्षाबंधन का त्यौहार भी नहीं मना पाई, तो वहीं जन्माष्टमी मनाने के लिए एक बार वो फिर बैंक आई तो आज भी उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा, उन्हें पैसा नहीं मिला। बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, जबकि यहाँ ग्राहकों का कहना है कि बैंक मैनेजर की मनमानी के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो चीज सक्सेना आगरा एक हमारे भाई साहब ने ले लो फोटो, ये परेशान है बहुत रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या परेशानी है आपकी? परेशानी है, पैसे ले रहे आ रहे हम बैंक से, तो मैंने मैंने पैसे ना दे रहे, मतलब एंट्री ना कर रहे मेरी किताब की। क्या कह देते हैं? जो कह रहे थे कि एंट्री ना ले रही, तो मशीन खराब है भाई। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो आप? महीना हो रहेगा मैंने चक्कर लगा तो, और अच्छा मैंने को आए तो मैंने कहते कि अच्छा मन भाव ऐसे ही करेगा, और जिन बात से आए तो मैंने कर रहे हैं पैसे ना दे रहे, मतलब ट्रेटर ही ना बोल रहे। मतलब आपका कहने का मतलब आपका आपका पैसा आपको ही नहीं मिल पा रहा? हमारा पैसा मैं ना मिल लो, मैंने कर देता हूँ चले जा रहे। तो त्यौहार आपका कैसे मने फिर? मुझे जाना मैं नहीं जा रहा। नहीं, आपका त्यौहार कैसे मना बना पैसे के? चुप बैठ गया, त्यौहार भी नहीं मना पाए। नहीं मनाया, बहन भाई आई हो गए तो चली गई। तो हर बार वापस लौटना पड़ता है? हर बार लौट रहे हैं, पैदल पैदल आकर लाली गड़ी थे। कितनी किलोमीटर दूर होगा वो? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या परेशानी है आपको? परेशानी रोज जाते हैं, नेटवर आ रही ना है, कहते रोज ना कहते नेटवर ना रही, नेटवर ना रही। कौन कह देता है? कम से कम 10-11 दिन आए। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो? 25 लाख ज़्यादा है। तो आपको पैसा नहीं मिल पा रहा, क्या कह दिया जाता है? नेटवर ना रही, जाओ घर से, कोई काम नहीं हो रहा है। एंट्री कहीं ना रही, तो और कितने लोग आपके अलावा यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? गांव से क्या किलोमीटर है आपका गांव यहाँ से? 3 किलोमीटर रोजाना आना होता है। समस्या का समाधान हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। सर क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या परेशानी है यहाँ? कई दिन से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, कनेक्टिविटी की वजह से दिक्कत आ रही है। कब से नहीं आ रही कनेक्टिविटी? तो 4-6 दिन से आया हूँ, 4-6 दिन ही लौट के गया हूँ। तो पैसे, कितने पैसे की जरूरत थी आपको? मुझे तकरीबन
तो निकले या नहीं निकले? नहीं निकल पा रहे। क्या कह दिया जाता है? कह दी जाती है कि BSNL कनेक्टिविटी सर्वर डाउन चल रहे हैं। तो आपके कहाँ पैसे के कारण काम भी रुका होगा? कोई रुका है, बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत परेशानी हो रही है, और मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत हो रही है। कितने लोग लौट जाते होंगे यहाँ पे? तकरीबन 100-150 लोग तो लौटते ही, पर कोई समस्या का समाधान नहीं। तो क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या परेशानी है आपकी? कितने दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे हो आप? कितने बार लौट गए यहाँ से? दो बार लौट गए। तो क्या कह देते हर बार? क्या जरूरत थी पैसे की आपको? घर पर बनाएंगे हम। घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत है? हाँ। पर पैसा नहीं निकल पा रहा। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? कबूलपुर। क्या परेशानी है? परेशानी ये 15 दिन से भेज रहे हैं, पैसे नहीं निकल रहे हैं, कोई तकलीफ है, कोई आदमी क्या है क्या नहीं है। क्या कह देते हैं बैंक वाले? लौटा देते। तो कितने दिन से परेशान हुआ? 15 दिन आ गए। 15 दिन से रोज डेली जा रहे आ रहे हैं, बिना पैसा से आ रहे। सर आप अपना पर्चे देते हुए आप बताया जा रहा है कि आपके बैंक में कई दिनों से ग्राहक मायूस होकर लौट रहे हैं, क्या कारण है? मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, सीनियर मैनेजर शाखा ककुआ। परेशानी कारण यह है सर कि हमारे 10 तारीख से कनेक्टिविटी नहीं आ रही। BSNL ऑफिस में जाकर के हम मिल चुके, SDO से मिल चुके, DGM साहब से बात हो चुकी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। क्या बोल देते हैं वो लोग? वो रोज यही बोल देते हैं, सब दिखवा रहे हैं, सब दिखवाते हैं, सब दिखवा रहे हैं। 2 दिन से तो कोई काम ही नहीं हो रहा ऑफिस में उनके में, वहाँ पे अब तक शायद कुछ काम भी हो रहा था, शायद BSNL ऑफिस शिफ्ट हुआ है एक जगह दूसरी जगह। परसों से सब जगह कनेक्टिविटी आ गई, सिर्फ शाखा ककुआ को छोड़ के। हमारे यहाँ से ये कस्टमर लौट रहे हैं, हमें भी बड़ा दुख है, सेवा पूरी तरह से दे पा रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे पेमेंट हम कर रहे हैं जो ATM मशीन से कर पाते हैं, वो पेमेंट हम यहाँ पे करते हैं। बाकी ज़्यादा जब ग्राहक अनुरोध करता है तो फिर हम उनसे चेक ले करके यहाँ पे पोस्ट करते हैं, कहीं दूसरी शाखा में जाकर बैठ के काम करते हैं। ये काम हमें रोज़ करना पड़ रहा है। कनेक्टिविटी सही होती, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ छोटे मोटे लेन देन के अलावा कोई काम नहीं हो पा रहा। लोगों को त्यौहार पर भी पैसा नहीं मिल पाया? हाँ जी, लोगों को त्यौहार पे भी पैसा नहीं मिल पा रहा। ये त्यौहार पे पैसा मिला, पैसा तो मिला, लेकिन उसी दिक्कत के साथ यहाँ चेक ले लिए, कहीं जाके और पोस्ट किए, फिर बताया कहाँ पे खाते में बैलेंस है पेमेंट कर दो, कहीं और जाके बैठते हैं किसी ब्रांच में, वहाँ से हम देखते हैं खाते में बैलेंस है कि नहीं, तब उनका पेमेंट हम यहाँ से करवा देते हैं। दिक्कत तो हो रही है, जो काम ज़्यादा हो सकता था, जो काम आराम से तुरंत हो सकता था, उसमें देर लग रही है, इसलिए थोड़ी सी मायूसी तो आई। और ग्राहक तो ग्राहक है, उनका पैसा है तो लेंगे ही, मांगेंगे हम जा करके।